गाइस ये देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं उसी मिक्स से दही बड़े, जो कि बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी बनते हैं। जो दही बड़े बनाने में लगभग 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, और ये मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगा। एकदम हेल्दी और अच्छा सा नाश्ता या दही बड़े, जो भी आप बोले ने। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन के। आज एक यूनिक सी रेसिपी लाए हैं, वही जो प्रीमिक्स हमने बनाया था उससे बनाएंगे दही बड़े। गाइस ये दही बड़े जो होते हैं ना, वो घंटों का काम होता है, थोड़ी देर का काम नहीं होता। मगर इस हमारे तरीके से जब बनाएंगे तो मिनटों का काम होगा। ये देखिए, एक कटोरी हमने वही प्रीमिक्स ले लिया है और इसमें कुछ भी हम ऐड नहीं करेंगे। तो देखिए फटाफट बनाते हैं दही बड़े। ये देख सकते हैं गाइस, ये उसी कटोरी भर के पानी हमने लिया हुआ है। लेकिन गाइस इस चीज का ध्यान रखें क्योंकि ये गर्म पानी है, और वो भी इतना गर्म है कि इसमें उंगली दे रहे हैं। तो हम ये कहो कि हम 1 सेकंड 2 सेकंड रख सके तो नहीं रख सकते हैं, इतना गर्म पानी। तो इसको हम थोड़े थोड़े करके इसमें अपना ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए हमें घंटों भिगोना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, लेकिन थोड़ी देर भिगोना है। ठीक है, इसी दाल को हम थोड़ा सा भिगो के रखेंगे इस तरह से, क्योंकि गर्म पानी है इसलिए हम हाथ नहीं लगा सकते। तो ये देखिए इस तरह से मिक्स कर दिया है। ठीक है, और अब इसको हम देखिए अच्छे से इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे, जिससे कि अच्छे से फूल जाए। जो इसमें थोड़ा बहुत जो दाने रह गए होंगे वो भी इसमें फूल जाएंगे। ये देखिए गाइस, ठीक है, तो लगभग लगभग सारा पानी पड़ चुका है, सिर्फ 1 से 2 स्पून पानी इसमें रह गया है। तो अब हम इसी कंसिस्टेंसी में रखेंगे इसको। ठीक है, अब इसको हम भिगो देंगे, भिगो दिया है, अब इसको ढक कर रख देंगे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए। ठीक है, 15 मिनट के बाद हम मिलते हैं आके, तब इस अगर पानी इसका थोड़ा सा ज्यादा कम होगा तो डाल लेंगे इसमें, और क्योंकि इसी तरह से रखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आप देख सकते हैं 2 स्पून पानी हमने इसमें बचा दिया है। ये देखिए गाइस, इसको हम अच्छे से, ये ढक्कन आ नहीं रहा है इसमें। ये देखिए गाइस, अपने इस पतीले को हम ऐसे ढक कर रख देंगे, और ये पानी गर्म था इसमें तो ये दाल अच्छे से 15 मिनट में एकदम सही होके रेडी हो जाएगी। तो 15 मिनट बाद मिलते हैं आके। ये देखिए गाइस, ये पेस्ट हमारा कितना सख्त हो गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमें अब आगे क्या करना है। ये देखिए गाइस, अब इसको हमें फेंटना है, तो हाथ से फेंटने की जरूरत नहीं है, बस फटाक से मिक्सी में डाल दीजिए। ठीक है, और इसको हम और अच्छे से फेंट लेंगे। ठीक है, अब ये पानी नहीं ऐड करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि पानी डालने से ये पतला हो सकता है, तो हमें पतला नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे हम पुराने टाइम पर जैसे बनते थे उसी तरह से बनाएंगे हाथ से, तो इसको अब हम फेंटेंगे। देखिए इसमें नमक मक डालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे मिक्स में नमक मिर्च सब कुछ है पहले से ही। ठीक है, तो उसको हम फेंट लेते हैं। ये देखिए गाइस, फेंट कर बिल्कुल रेडी है जैसे कि हमें चाहिए। पानी हमने एक बूंद भी नहीं डाला है, भिगोते समय जितना डाला था बस उतना ही डाला है। यानी एक कटोरी अगर दाल है आपकी तो एक कटोरी पानी लग जाना है। तो हम इसमें अब निकाल लेते हैं। ठीक है, सारा हम स्पून से निकाल के अलग कर लेंगे, इसी में कर लेंगे बर्तन में। ये देखिए गाइस, हमने ये अपना फेंट के एक तरफ कर लिया है। ठीक है, और एक कटोरी में हमने पानी ले लिया, क्योंकि हमें जैसे पुराने तरीके से बनता था उसी तरह से बना, और हमने ऑयल रख दिया है करने के लिए। तो देखिए हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएंगे, बिल्कुल जरा सा, और आपको दिखाते हैं। इस तरह से हम छोटे छोटे से ले लेंगे पोर्शन, इस तरह से करते हुए, इस तरह से देखिए चिपके, तो हाथ में थोड़ा सा पानी लगा ले, वो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए इस तरह से हम इसमें बीच में होल कर देंगे, और अब इन्हें हम एक हथेली पर लेंगे ऐसे थोड़ा पानी लगा के, जिससे कि हमारे छूट जाए। तो देखिए, ये देखिए गाइस, ऑयल कर लिया है, बहुत तेज नहीं बहुत धीमी नहीं, और इसी तरह से इसमें हम धीरे से छोड़ देंगे और इसको पकने देंगे, बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं जब तक कि अपने आप खुद ऊपर ना आ जाए। ये देखिए गाइस, फिर से पानी लिया, ऐसे ही लगा लिया, और फिर से थोड़ा सा लेंगे। ठीक है, और इसी तरह से गोल करते हुए हम इसे फिर से कर लेंगे, और इसी तरह से बढ़िया सा गोल करेंगे और इसमें एक होल कर देंगे। ठीक है,
ये देखिए इस तरह से, और फिर पलट कर ऐसे ये देखिए छुटा लिया और दूसरा भी इसी में डाल दिया ऐसे। ये देख सकते हैं गाइस, अब इसको हम पलट देंगे इस तरह से दोनों को और अच्छे से ब्राउन होने तक सेक लेंगे, और सारे के सारे ऐसे ही बनाना है हमको। ये देख सकते हैं गाइस, जो पहले हमने डाला था वो पक चुका है, तो इसको हम अब निकाल लेंगे अपना, ठीक है, इस प्लेट में निकाल कर साइड में रखते जाएंगे इसी तरह। तो गाइस लगभग लगभग 5 मिनट लगता है लगभग सिकने में इसको, क्योंकि अंदर तक सिकना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दही बड़े जो 2-3 घंटे का काम था, फटाफट मुश्किल से 10 मिनट में हो चुका है। तो इसी तरह से हम सारे बना लेते हैं, फिर आते हैं गाइस, इन्हें दही बड़े और दही भल्ले भी बोले जाते हैं। तो चलिए बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आके। ये देख सकते हैं गाइस, हमने सेकेंड बैच भी डाल दिया है। देखिए गाइस, हमारे पास थोड़ा सा मोबाइल को होल्ड करने वाला नहीं है, हमारे पास ट्राईपॉड नहीं है जिसको हमने ऑर्डर किया हुआ है, अगर आ जाता है तो हम आप लोगों को बताएंगे। इसी वजह से हमने थोड़ा सा बनाया तो ये मोटा बना है, बट हमको मोटे नहीं इसी तरह से पतले पतले बनाने हैं। ये देखिए इसी तरह से बहुत बहुत मोटा नहीं, बहुत पतला नहीं, मीडियम साइज का बनाना है, जैसे कि हम जब इनको दही में या मट्ठे में डालें, छाछ में डालें, तो ये अच्छे से कुक होने फूलने चाहिए, ठीक है। तो ये सेकेंड बैच सिक रहा है, तो इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। हमारे दही बड़े बन रहे हैं, तब तक इसका छाछ तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जितने दही बड़े हों उस हिसाब से आप छाछ ले लीजिए। तो ये हमारा होममेड छाछ है, ठीक है। तो इसमें हम इस तरह से डाल देंगे जितना हमें चाहिए, ठीक है। ये देखिए इस हिसाब से, और इसको अब हम फेंट लेंगे थोड़ा सा। देखिए गाइस, जार में कर दिया है, अब इसको फेंट लेंगे अच्छे से। देखिए गाइस, ये होममेड दही था इसलिए इतना पतला था, तो इसको हमने फेंट लिया है। और जो मार्केट से आते हैं दही वो थोड़े से थिक होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल लें। देखिए अभी हमारे इसमें बहुत ज्यादा दही है, तो थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें और इसको हिला लेंगे, जिससे ये जो दही है वो सारा छुटके आ जाएगा और इसमें अपना ऐड कर लेंगे। ये देखिए अब इसमें हम डाल देंगे, ठीक है। और अब इसका हम बनाएंगे छौंक, तो चलिए बनाते हैं। देखिएगा जो शादी बारात में बनती हैं दही बड़े बनते हैं, तो उसको में छौंक नहीं लगाया जाता है, बट जो ट्रेडिशनली बनते हैं तो उसमें छौंक थोड़ा सा जीरा और हिंग का लगा दिया जाता है। तो देखिए जिसमें हमने बनाए थे दही बड़े वही अपना ले लिया है, ठीक है। और इसमें हम ऐड करेंगे जीरा और हींग, तो चलिए ये देखिएगा हमने ले लिया है 1 टेबल स्पून जीरा, और वो इसमें ऐड करेंगे और भून लेंगे अच्छे से। ये देख सकते हैं गाइस, हम थोड़ा सा जीरा है डाला है इसमें 1/2 टेबल स्पून, और इसको भून रहा है, ये भून जाएगा अच्छे से, जब ब्लैक ब्लैक तब इसको हम छौंक बनाएंगे। ये देख सकते हैं गाइस, अब हमने ले लिया है 2 से 3 चुटकी हींग अपनी, और हमारा जीरा भी चिटकने लगा है, तो इसमें ऐड करेंगे हींग को और मिला देंगे जिसे मिल जाए, और इसमें डालकर छौंक लगा देंगे। हमारी छौंक लग चुकी है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है देखिए, अब देख सकते हैं कि देखने में कितना अच्छा लग रहा है। जो मार्केट में मिलते हैं दही बड़े या शादी बरातों में बनते हैं उसमें नहीं ये डाला जाता। तो अब ये गर्म है हमारे, इनको ऐसे दबाते हुए हम अपने इसमें छोड़ देंगे दही बड़े। ये देखिए इस तरह से दबाते हुए छोड़ेंगे, ठीक है, सारे के सारे छोड़ देंगे इसमें दबाते हुए, जिससे कि अच्छे से रस को पी ले और फूल जाए। ये देखिए गाइस भीग चुके हैं, तो इसको अब हम रख देंगे 2 घंटे के लिए करीब, जिससे कि ये सारा रस पी ले और अच्छे से फूल जाए, ठीक है। तो इनको ऐसे ही रख देंगे हम, ढक करके मिलते हैं लगभग 1 से 2 घंटे बाद, तो इसको हम रख देते हैं। देखिए गाइस 2 घंटे हो चुके हैं लगभग, ठीक है। तो ये देखिए कितना इसमें जो दही था मठा या छाछ वो कम हो चुका है, यानी इन्होंने पी लिया है अच्छे से। तो चलिए सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए गाइस हमने सर्व कर दिया है, और ये 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, धनिया और सौंफ और जीरे का पाउडर है, जो इसके ऊपर हम छिड़क देंगे अच्छे से। ये देखिए हरी मिर्च से गार्निश कर दिया है गाइस, और आपको धनिया या सौंफ या जीरे पाउडर जिसमें इनमें से अगर कोई नहीं खाना है, जो नहीं स्वाद जिसका अच्छा लगता है, वो हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात और गाइस, इसमें हमने इसके जो मट्ठे में है यानी छाछ में हमने नमक नहीं ऐड किया हुआ है, तो आप नमक और चीनी जब सर्व करें तब ऐड करें, क्योंकि अगर नमक हम पहले ही ऐड कर देंगे
तो छाछ हमारी जो है खट्टी हो जाएगी, इस वजह से नमक नहीं ऐड करना है। नमक जब ऐड करना जब सर्व करना हो। तो ये आज की हमारी ये रेसिपी, और हम आपको कट कर भी दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, एक हम कट करके भी दिखाते हैं आपसे। ये देखिएगा कितने अच्छे से फूल कर आया है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए कितने अच्छे से बबल्स बन के आए हैं। तो आज की हमारी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।